Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to create a software in C language of calculate simple interest. तो simple interest calculate करने का ये software कैसे तैयार कर सकते हैं इसको हम सीखेंगे. ये software मैं बना रहा हूँ मेरे एक student हैं सईद, इनके request पर. तो चलिए इस video को start करते हैं. सबसे पहले turbo C++ को open कर लेते हैं. ये open हो रहा है. अब यहाँ पर हमें अपनी कोडिंग करनी है. इसके ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं न्यू पेज ले लेता हूँ और यहाँ जो कुछ पहले से लिखा हुआ है इसे इरेज कर लेता हूँ. यहाँ से मैं इरेज करता हूँ. ये हेडर फाइल लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट और हैश इंक्लूड conio.h. conio का मतलब होता है कंसोल विंडो. इसके लिखने के बाद यहाँ पे void main देंगे क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना चाहते. इसीलिए void एक कीवर्ड होता है और main हमारा main फंक्शन होता है. यहाँ पर आने के बाद नीचे आएंगे. यहाँ पर हम चूज करेंगे float data type due to the reason कि simple interest जो भी हम calculate करेंगे वो float में भी हो सकता है. इसी वजह से यहाँ float data type हम चूज करेंगे. ठीक है, float फ्लोट की स्पेलिंग होगी. और यहाँ पे लिखेंगे पहला वेरिएबल हम बनाते हैं p यानी प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, कॉमा देते हैं. दूसरा वेरिएबल बनाते हैं नंबर ऑफ पीरियड कितना है हमारा उसके लिए. ठीक है, तीसरा वेरिएबल जो बनाएंगे वो r बनाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए. और चौथा वेरिएबल बनाएंगे si. ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए. तो आइए अब नीचे आते हैं. यहाँ लगाते हैं प्रिंट एफ लगाने के बाद यहाँ लगाएंगे डबल इंटेड कोट्स. लगा दिया हमने. यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर द नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि इनकी वैल्यू करनी होंगी. इंटर द नंबर ऑफ सॉरी इंटर द नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटर द वैल्यूज. ठीक है, चूंकि इनकी वैल्यू हम इंटर करेंगे. इंटर द वैल्यूज ऑफ कौन कौन से हैं वेरिएबल, हमने बनाया p, ठीक है, कॉमा, और क्या बनाया n, और क्या बनाया r. ठीक है, यही है. ठीक है, और इसके बाद यहां से करेंगे इसको बंद और यहां लगाएंगे सेमी कोलन ताकि ये टर्मिनेट हो जाए. सेमीकोलन लगा दिया, टर्मिनेट कर दिया. नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब हमें स्कैनफ लगाना होगा. यूजर से एंटर करवाएंगे हम, इसीलिए यहाँ स्कैनफ लगाएंगे. अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, या तो आप एक एक करके स्कैनफ लगाइए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा. यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल इंटेड कोट्स में %f. अब यहाँ परसेंट अगर आप लिखते हैं तो होगा क्या, देखिए यहाँ जैसे ही आप %f लिखेंगे और यहाँ बंद करके यहाँ पर देंगे p यानी एड्रेस ऑफ p दे देंगे. ठीक है, तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा जरूर. ठीक है, लेकिन आपको फिर एड्रेस ऑफ n भी देना होगा नीचे स्कैनफ करके, फिर एड्रेस ऑफ r भी देना होगा. इससे अच्छा ये है कि मैं एक ही बार में सबको यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, पहले लिख दिया हमने %f, फिर लिखूंगा %f, फिर लिखूंगा %f. इन तीनों को हमने लिख दिया. यहाँ पे ब्रैकेट को इनवर्टेड कॉमा को क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, कॉमा दूंगा, एड्रेस ऑफ क्या लिखूंगा, सबसे पहला क्या है p. ठीक है, कॉमा दूंगा एड्रेस ऑफ n, फिर कॉमा दूंगा अब एड्रेस ऑफ r. ठीक है, इतनी चीजें हमने लिख ली. अब हमारा यहाँ कैलकुलेशन वाला काम स्टार्ट होता है. si हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. हम यहाँ si लिखते हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट. फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू p. ठीक है, इज इक्वल टू p, तो p ले लिया हमने, इंटू n इंटू r ऑन 100. ये हमारा फॉर्मूला है. यहां पे इसको टर्मिनेट किया, यहां लगाएंगे print f लगा दिया और यहां लिखेंगे द si का मतलब सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, si इज. अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, यहां पे \t लगाएंगे हम, \t लगाने से क्या होता है, टैब लाइक स्पेस ये देता है.
ठीक है, बैकस्लैश टी लगाने से टैब लाइक स्पेस ये देता है। यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे परसेंट एफ, इसको बंद करेंगे, कॉमा देंगे और ये वैल्यू आके स्टोर होगी एस आई में। ये दे दिया हमने, हमारा काम खत्म हुआ। यहाँ पे टर्मिनेट कीजिए, गेट सी एस दीजिए, इसको सेव करना है अब तो चलिए इसे सेव करते हैं। मैं यहाँ दे देता हूँ सिंपल डॉट सी, लगाना मत भूलिएगा। अब इसको कंपाइल करवाते हैं, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। यहाँ से इसको करवा दीजिए रन, ये रन भी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पी एन और आर की वैल्यूज़ हमें देनी है। पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 या 5,000 रखते हैं। अब एन की वैल्यू देनी है नंबर ऑफ पीरियड 5 ईयर्स। अब देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7, या फिर एक काम करते हैं हम यहाँ पे देते हैं 7.76, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 1940 रुपये आएगा। आप देख सकते हैं कितना आसान है, कितना इजी है ये सॉफ्टवेयर बनाना, तो बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। फॉर्मूला वही है जो आप मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, उसी फॉर्मूले के आधार पर ही हम बना सकते हैं, तो ईजिली ये काम हो जाएगा हमारा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।